Swayam Prabha, Digital India, Educated India. स्वयं प्रभा में आप सबका स्वागत है ये कंपनी विधि का व्याख्यान नंबर दस है जिसमें हम राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलित न्यायाधिकरण के बारे में डिस्कशन करेंगे अब जो पिछला लेक्चर था उसमें बाइंडिंग अप के बारे में बताया था कि कंपनी का कैसे समापन होगा कैसे अप होगा तो जैसे हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा था कि कंपनी जो है वो लॉ के द्वारा बनाई जाती है और लॉ की प्रोसीजर के द्वारा ही उसका अस्तित्व जो है वो समाप्त होता है उस टॉपिक में हमने बताया था कि क्या समापन होगा क्या उसकी बिगटन होगा कंपनी का वो कैसे लिक्विडेटर अपॉइंट होंगे कितने प्रकार का बिकटन किया जाएगा तो हमने दो प्रकार के बिकटन के बारे में प्रीवियस उसमें डिस्कशन करा था कि एक कंपलसरी बिक्टन होता है और एक ऐच्छिक या स्वैच्छिक जो है वो बिक्टन होता है जिसमें जो है कंपलसरी बताया था कि ट्रिब्यूनल द्वारा जो है यदि कंपनी के इंटरेस्ट में कोई ऐसा कार्य किया जाता है तो वहाँ पे जो है वो आवेदन दे सकते हैं जो उसके पक्षकार और जो प्रभावित हुए हैं तो वो ऐसा आवेदन दे सकते हैं और उसको जो है ट्रिब्यूनल के माध्यम से उसको कंपनी को बाइंडिंग अप करा सकते हैं या जो उसके मेम्बर्स हैं उसके बाद बालेंट्री के बारे में बताया था कि बालेंट्री जो है स्वैच्छिक होता है जो उनके क्रेडिटर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं वो चाहें तो वो उसमें बाइंडिंग आप कंपनी को करा सकते हैं तो इसके बारे में डिस्कस कराता है इसके बाद में परिसमापक क्या होगा क्या उसकी विशेषताएं होंगी कैसे अपॉइंट होगा उसके बारे में संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को जो है हमने डिस्कस करा था अब आज जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो नए कंपनी अधिनियम के अंतर्गत जोड़ा गया है जिसमें जो है राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण के बारे में डिस्कस करेंगे जो व्याख्यान नंबर दस में दिया हुआ है अब जो है इस व्याख्यान में हम निम्नलिखित विषयों पर चर्चा करेंगे सबसे पहले जो है उसका जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है और नेशनल कंपनी लॉ अपीले ट्रिब्यूनल है उसकी परिचय के बारे में उसका कैसे गठन होता है क्या होते हैं उसका दायरा क्या है कहाँ उसका जोडिक्शन होगा क्षेत्राधिकार क्या होगा उसका और उसके लाभ क्या हैं और उनके पावर्स क्या हैं या सख्तियाँ क्या हैं और इनके कार्रवाइयों में कौन प्रतिनिधित्व कर सकता है या कौन इनमें अपीयर हो सकता है तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इससे जो नेशनल अपीलिक ट्रिब्यूनल है उसके बारे में उसका परिचय वो क्या सख्तियाँ जो है वो एक्सरसाइज करता है और उससे रिलेटेड केस लॉज जो हैं वो डिस्कस करेंगे और दोनों में अंतर कि नेशनल लॉ कंपनी इसके बारे में इस व्याख्यान में डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले जो है परिचय के बारे में डिस्कस करते हैं राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण का परिचय क्या है कि राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल जो है जैसे कि 1956 का जो पहले अधिनियम था उसमें नेशनल कंपनी लॉ बोर्ड होता था उसको खत्म करते हुए नए संशोधन करते हुए इसमें जो है नेशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल जो है वो वो और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को जो है वो नियुक्त किया गया है और अपॉइंट किया गया इस्टेब्लिस किया गया है जो 2013 में संशोधन करके जो है इसमें जोड़ा गया फिर इसमें 17 में जो है इसको इंसर्ट किया गया 16 में इस पर एक बिल पारित किया गया फिर जो है इसको स्टैचू इस में जो है वो सम्मिलित किया गया अब इसका जो है मेन उद्देश्य जो है सारे पावर्स जो है वो ये एक्सरसाइज करता है जो एक नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल था यहाँ पर जो है अब पहले क्या था कि कोर्ट को जो है वो इंटरफेरेंस या कोर्ट को पावर होते थे अब यहाँ पे जो है केबल जो है उनने बोला कि सारे जितने भी मैटर होंगे वो कम नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है वो सुनेगा इसके अलावा कोई भी ऐसे मैटर जो है वो कोई और नहीं सुनेगा तो ये जो है मैन उसका एक परिचय है और इसकी जो है वो जैसे कोई भी डिस्प्यूट आता है कंपनी लॉ से रिलेटेड या कंपनी से रिलेटेड तो वो है वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है वो सुनेगा अब इसकी जो अपील है वो नेशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल में फ़ाइल की जाएगी तो ये जो है एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का और इसको जो है एक सारे कोर्ट्स के पावर्स होते हैं जो एक कोर्ट को सिविल कोर्ट्स को प्राप्त हैं वो सारे पावर्स जो हैं वो इस नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स को प्रोवाइड किए हुए हैं तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है और इसी के आगे इसमें बताएगा कि एन के आदेश या उससे रिलेटेड कोई ऐसे विवाद है कंपनी लॉ से तो वो जो है वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है वो सुलझाएगा और उनको सुलझाएगा कि जहाँ पे कोई ऐसे आवेदन दिए गए हैं लिक्विडेशन से रिलेटेड या बाइंडिंग अप से रिलेटेड या किसी और कोई ऐसा डिस्प्यूट्स आता है इसके बाद में सॉल्वेंसी से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स हैं वो भी इनके द्वारा सुने जाएंगे और भी कोई ऐसे लैंडर या उससे रिलेटेड कोई ऐसे डिस्प्यूट हैं तो वो भी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है वो सुनेगा अब इसकी जो स्थापना है वो एक जून 2016 को भारत सरकार द्वारा गठित किया गया था और यह दिवालियापन और कंपनी के समापन से संबंधित कानून पर एक कमेटी बनी थी उस कमेटी की रिकमेंडेशन से इस ट्रिब्यूनल को जो है वो बनाया गया था और ये जो है मेनली जो है जो उनके लिक्विडेशन प्रोसीडिंग से जो प्रोसेस होती है उनसे रिलेटेड सारे मैटर्स सुनता है या कोई मिसऑपरेशन हुआ या मिसमैनेजमेंट हुआ तो उससे संबंधित सारे मैटर्स को जो है ये सुनता है जिसमें जो है पूरे जितने भी राइट पार्टीज हैं या जो मेंबर्स हैं कंपनी के उनके राइट्स ड्यूटीज़ या इनकी लाइबिलिटीज़ का डिटर्मिनेशन होना है तो वो भी ये नेशनल अपीलेट कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है वो सुनता है तो इससे रिलेटेड ये अपील अब जो है राष्ट्रीय कंपनी न्यायाधिकरण जो है उसका गठन कैसे होता है या कैसे ये बना है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 408 के तहत जस्टिस इरादी समिति की सिफारिशों द्वारा 2016 को केंद्र सरकार द्वारा एन का गठन किया गया और एन ने कंपनी लॉ बोर्ड की जगह ले ली 1956 में जो अधिनियम था कंपनी अधिनियम उसमें नेशनल कंपनी लॉ बोर्ड होता था तो वो बोर्ड को रिप्लेस करते हुए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है वो इस्टेब्लिश किया 2016 में और यहाँ पे जो है कंपनी लॉ में इसको इंसर्ट किया गया और ये जो है ट्रिब्यूनल्स केंद्र सरकार द्वारा शासित होता है और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो चलाती है अब एन की मुख्य पीठ जो है वो दिल्ली में है इसकी जो हेड ब्रांच जो है वो दिल्ली में है और इसकी दस और अन्य पीठें हैं जैसे कि अहमदाबाद बेंगलुरु चंडीगढ़ चेन्नई गुवाहाटी हैदराबाद इलाहाबाद जयपुर कोची मुंबई और कोलकाता तो ये इसकी कुछ खंडपीठें हैं जो अपने अपने जो है उनसे जो जोडिक्शन होता है उनका तो उनसे रिलेटेड ये सारे मैटर्स जो हैं वो सुनते हैं तो इस तरह से ये न्यायाधिकरण का जो है वो गठन होता है अब इसकी जो है राष्ट्रपति न्यायपालिका जो इनके मेंबर्स हैं राष्ट्रपति न्यायपालिका की सदस्य और तकनीकी सदस्य एन की पीठ पर बैठते हैं मतलब जो जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं वो इसमें होते हैं इसके अलावा जो कुछ तकनीकी जो ऑफिशियल हैं या मेंबर्स हैं वो भी इसके सदस्य होते हैं यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वो राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीली ट्रिब्यूनल में जा सकता है और उसमें अपील दाखिल कर सकता है अब राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीली न्यायाधिकरण के समक्ष दायर अपील का समाधान और उसकी जो अपील होगी वो सुप्रीम कोर्ट में वो फाइल कर सकता है और इसको जो है छः महीने के भीतर जो है वो अपील दाखिल की जानी चाहिए अब राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के समक्ष आने वाली कोई भी विवाद को जो एक सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं है तो उससे रिलेटेड ऐसे कोई भी विवाद आते हैं कंपनी लॉ से तो वो सारे विवाद जो है वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है वो सुनता है और उस पर जो है अपने निर्णय लेता है चाहे वो लिक्विडेशन से प्रोसीडिंग से रिलेटेड हो चाहे कोई और प्रोसीडिंग हो जो कंपनी राह से रिलेटेड है वो सारे डिस्प्यूट जो है वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है वो सॉल्व करता है अब जो है राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण का दायरा क्या होगा मीन्स जोडिक्शन क्या होगा या दायरा क्या होगा कहाँ कहाँ इसका जोडिक्शन फैला हुआ है या किन किन पे ये एप्लीकेबल होगा अब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है कंपनी लॉ बोर्ड औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलित प्राधिकरण के कॉपरेट क्षेत्राधिकार और समापन या पुनर्गठन और अन्य से संबंधित शक्तियों को समेकित करता है अब उच्च न्यायालय में निहित इसीलिए राष्ट्रीय कानून न्यायाधिकरण भारत में पंजीकृत कंपनियों को नियंत्रित करने के लिए सभी शक्तियों को समेकित करता है मीन्स के जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स का दायरा है वो एक सिविल कोर्ट्स की तरह है कि जैसा ही एक सिविल कोर्ट सारे जुडिक्शन जो, जो है वो सुनता है तो ऐसे ही कि कोई ऐसे कंपनी लॉ बोर्ड में कोई पहले से मैटर थे या औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड से रिलेटेड कोई ऐसे मैटर्स थे इंसॉल्वेंसी रिलेटेड कोई ऐसे मैटर थे तो ये जो है वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है वो सुनेगा और वो सारे पावर्स जो है जो एक कोर्ट को होते हैं वो उस ट्रिब्यूनल्स को प्रोवाइड किए गए हैं और उससे रिलेटेड जो है वो सारे मैटर्स जो है जैसे कोई इनसे रिलेटेड कोई मैटर आते हैं तो वो इनके द्वारा सॉल्व किए जाते हैं अब जो है राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण का क्षेत्राधिकार क्या होगा या ज्योडिक्शन क्या होगा तो यहां पे उन्होंने बोला है कि राष्ट्रीय कंपनी न्याय कानून न्यायाधिकरण की एक तो मैन पीठ है और कुछ उसकी खंडपीठ हैं या संबंधित क्षेत्राधिकार निम्नलिखित हैं सबसे पहला जो है एन की प्रधान पीठ और एन की मैन पीठ दिल्ली में है तो इसका नई दिल्ली में जो है इसका हेड ऑफिस है एन का और इससे रिलेटेड कोई ऐसे जोडिक्शन आते हैं डेली जोडिक्शन में तो वो जो है वो हेड पीठ के द्वारा सुलझाए जाएंगे और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश राजस्थान राज्य और हरियाणा राज्य इनसे रिलेटेड यदि कोई ऐसे डिस्प्यूट्स आते हैं कंपनी लॉ से रिलेटेड तो वो जो है वो जो दिल्ली हेड पीठ या मेन पीठ है वहाँ पे इसको सॉल्व किया जाएगा इसके रिलेटेड इसकी कुछ अन्य ब्रांचेस जो हैं या खंडपीठ जो हैं वो इसकी बनाई गई है नेशनल कंपनी और ट्रिब्यूनल्स की तो पहली जो खंडपीठ है कि अहमदाबाद बेंच एहम्दाबाद, बाद बेंच कहा कि अहमदाबाद गुजरात मध्य प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली और दमन और दीप इनसे रिलेटेड कोई ऐसे डिस्प्यूट्स आते हैं तो उसकी जो मेन बेंच है जो अहमदाबाद बेंच है तो यहाँ पे इनसे रिलेटेड कोई जैसे कोई गुजरात में कोई डिस्प्यूट्स हुआ मध्य प्रदेश में कोई डिस्प्यूट्स हुआ या दादर नगर हवेली में या दमन और दमनद्वीप में इनसे रिलेटेड कंपनी से रिलेटेड कोई ऐसा डिस्प्यूट होता है तो वहाँ पे उसका जोडिक्स जो है क्षेत्राधिकार वो अहमदाबाद बेंच को होगा और वो सारे मैटर्स जो है वो सुनेगा इसके बाद दूसरा जो इसकी खंडपीठ है इलाहाबाद बेंच इसका जो क्षेत्राधिकार है इलाहाबाद बेंच का पूरा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड राज्य और ये दो राज्य जो हैं कि इन दो राज्यों में उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में कोई इससे रिलेटेड कोई ऐसा डिस्प्यूट आता है तो वो इलाहाबाद जो बेंच होगी वो इसको सॉर्ट आउट करेगी और वो इनसे रिलेटेड सारे मैटर्स जो है वो सुनेगी तो ये तीसरी खंडपीठ है चौथी खंडपीठ है बेंगलुरु खंडपीठ या बेंगलुरु बेंच इसका जो क्षेत्राधिकार है वो पूरे कर्नाटक राज्य में कि कर्नाटक राज्य में कोई ऐसा डिस्प्यूट होता है कंपनी लॉ रिलेटेड तो वो जो है बेंगलुरु जो बेंच है वो बेंगलुरु बेंच जो है उसको सुनेगी या उसको क्षेत्राधिकार है उसको सुनने का नेक्स्ट जो ब्रांच है वो चंडीगढ़ बेंच है चंडीगढ़ बेंच जो है इसमें इसका जोरेक्शन जो है हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ मीन्स हिमाचल जम्मू कश्मीर पंजाब और चंडीगढ़ से रिलेटेड कोई ऐसा डिस्प्यूट आता है या इन राज्य से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट आता है कंपनी लॉ से संबंधित तो वो जो है इसको चंडीगढ़ बेंच जो है वो सुनेगी और उससे रिलेटेड सारे डिस्प्यूट जो है वो शॉर्ट आउट करेगी और सॉल्व करेगी तो ये जो है वो एन चंडीगढ़ बेंच है इसके अलावा चेन्नई में जो है इसकी एक बेंच है चेन्नई जो बेंच है इसको क्षेत्राधिकारक केरल राज तमिलनाडु केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और पौंडिचेरी इनसे रिलेटेड कोई ऐसा डिस्प्यूट आता है जो कंपनी लॉ से रिलेटेड है तो उसको जो है इसका जोडिक्शन होगा जो चेन्नई बेंच है वो इसका क्षेत्राधिकार जो है अपना एक्सरसाइज करेगी और कंपनी लॉ से रिलेटेड कोई ऐसा मैटर आता है या डिस्प्यूट आता है चाहे वो बाइंडिंग आपको लेके ले है या कोई और चीज़ को लेके हो तो वो चेन्नई बेंच जो है उसको शॉर्ट आउट करेगी इसके बाद आता है गुवाहाटी बेंच नेक्स्ट जो ब्रांच है इसकी या बेंच है वो है इसका जो क्षेत्राधिकार होगा अरुणाचल प्रदेश असम मणिपुर मिजोरम मेघालय नागालैंड सिक्किम और त्रिपुरा की जो सात स्टेट हैं इनमें यदि कंपनी लॉ से रिलेटेड कोई ऐसा डिस्प्यूट है तो वो जो है गुवाहाटी बेंच के द्वारा सुना जाएगा और उनके द्वारा सॉर्ट आउट किया जाएगा तो इन राज्यों से रिलेटेड जैसे अरुणाचल असम मेघालय त्रिपुरा नागालैंड इनसे रिलेटेड कोई ऐसा डिस्प्यूट आता है तो वो गुवाहाटी बेंच जो है उसको सुनेगी नेक्स्ट है हैदराबाद बेंच हैदराबाद बेंच को जोडिक्शन है कि कोई आंध्र प्रदेश राज्य या तेलंगाना राज्य में कोई ऐसा डिस्प्यूट है तो वो जो है उसकी हैदराबाद जो बेंच है वो उसका जोडिक्शन है उसको ट्राइड करने का कि कंपनी लॉ से रिलेटेड कोई ऐसा डिस्प्यूट आता है तो वो हैदराबाद बेंच जो है उसको शॉर्ट आउट करेगी इसके बाद जो है वो कोलकाता बेंच जो है वो दी हुई है चेताधिकार इसका जो है वो बिहार राज्य झारखंड उड़ीसा पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मीन्स कि जहाँ पे बिहार झारखंड उड़ीसा पश्चिम बंगाल और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इनको जो जो है इसका वो कोलकाता बेंच जो है वो लगती है और इनसे रिलेटेड कोई ऐसा डिस्प्यूट आएगा तो वो कोलकाता बेंच में जो है वो सुना जाएगा तो ये जो है इसकी बेंच इसके बाद जो है मुंबई बेंच मुंबई बेंच जो है उसको क्षेत्राधिकार है छत्तीसगढ़ राज्य महाराष्ट्र और गोवा कि इनसे छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र और गोवा में कोई ऐसा डिस्प्यूट होता है कंपनी लॉ से रिलेटेड तो वो जो है मुंबई बेंच जो है उसको सुनेगी तो ये जो है कुछ खंडपीठें जो हैं एक मैनपीठ होगी और कुछ खंडपीठें होंगी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स की इसके बाद आता है राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के लाभ कि एक नेशनल कंपनी लॉ जो ट्रिब्यूनल्स है उसके क्या लाभ होंगे सबसे पहले जो है उसके बहुत सारे लाभ हैं कि जैसे पहले कंपनी लॉ बोर्ड होता था अब कंपनी नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल्स है और इसके जो है निम्नलिखित भाग हैं कि जो एन है वो केवल निगमों यानी भारत में पंजीकृत कंपनियों के लिए एक विशेष अदालत या कोर्ट जो है वो स्टैब्लिश की गई है मीन्स कि जो इनकॉपरेटिड बॉडी है केवल उनसे रिलेटेड पूरे डिस्प्यूट जो है वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है वो सुनेगा किन से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड कोई ऐसा डिस्प्यूट आता है तो वो कंपनी लॉ जो है वो उसको सॉर्ट आउट करेगा और वो ट्रिब्यूनल जो है वो सुनेगा दूसरा जो इसका बेनिफिट है कि यह कॉर्पोरेट सदस्यों के लिए न्यायाधिकरण से अधिक कुछ नहीं होगा केवल ये एक ट्रिब्यूनल्स है इसके अलावा कुछ नहीं है ये तो दूसरा फायदा ये है तीसरा जो है कि एनसीएलटी विभिन्न मंचों और अदालतों में मुकदमेबाजियों की बहुलता को कम करेगा कि जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स है कि जैसे साधारण जो कोर्ट है या नॉर्मल कोर्ट है उनके पास में बहुत सारे और मैटर होते हैं जैसे सिविल और क्रिमिनल उनको सुनने के लिए तो वहाँ पे जो है वो पेंडेंसी बढ़ रही थी तो उस पेंडेंसी को कम किया गया और एक स्पेशल ट्रिब्यूनल जो है वो केवल कंपनी लॉ के मैटर सुनेगा उसको इस्टेब्लिश करा गया तो ये भी एक इसका फ़ायदा है कि मुकदमों की बहुलता में को कम करता है ये ताकि जो नॉर्मल कोर्ट्स हैं उन पर बर्डन जो है वो ज़्यादा ना आए अगला जो फ़ायदा है कि एन में न्यायिक और तकनीकी दोनों सदस्य शामिल होते हैं ये फर्स्ट ट्रिब्यूनल है क्योंकि जो नॉर्मल कोर्ट होते हैं उसमें केवल जुडिशियल पर्सनस जो हैं वो होते हैं उन्हीं को पावर्स है या जुडिशियल पावर जो हैं वो एक्सरसाइज करते हैं नॉर्मल कोर्ट्स में कोई ऐसे टेक्निकल पर्सन जो है वो होता नहीं है जिसलिए जो है उसको टेक्निकल उसकी ज़्यादा नॉलेज होती नहीं है तो इस तरह से जो है इसका एक कॉम्बिनेशन है कि इसमें न्यायिक पर्सन भी होते हैं और टेक्निकल पर्सनस भी होते हैं जो मामलों पर निर्णय देते हैं और अपना निर्णय जो है वो सुनाते हैं तो ये भी इसका एक लाभ है नेक्स्ट लाभ है कि किसी कंपनी को बंद करने में लगने वाला समय कम हो गया कि पहले क्या होता है? था कि कोई ऐसा डिस्प्यूट आता था कंपनी रिलेटेड तो वो जो है वो कोर्ट में फाइल होता था और कोर्ट को पावर होता था तो कोर्ट जो है कभी हीयरिंग दे रही है उसके बाद में एक साल बाद दे रही है दो साल बाद दे रही है तीन साल बाद दे रही है तो वहाँ पर जैसे ही नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हुआ तो वहाँ पर जो टाइम कंज्यूम होता था जो पक्षकार है या उनका तो वहाँ पर जो है ये टाइम को सेव करती है पूरी प्रोसीजर्स इसीलिए जो है पक्षकारों का कम समय जो है इसमें लगता है इसीलिए जो है इसका एक लाभ है अगला जो है मुकदमों के सीघ्र निस्तारण में मुकदमों की संख्या में कम करने में मदद मिलेगी इसमें क्या होता है कि पेंडेंसी ऑफ केस जो है बहुत सारे थे कोर्ट के पास में तो यहाँ पर जो है एक स्पेशल ट्रिब्यूनल जो है वो बनाया गया जो केवल कंपनी लॉ के मैटर ही सुनेगा तो यहाँ पर जो है ये जो कोर्ट नॉर्मल कोर्ट्स हैं उनके बर्डन को जो है वो कम करता है और मामलों में जो है वो कमी आती है ये केवल स्पेशलाइज ट्रिब्यूनल है जो कंपनी लॉ के मैटर ही सुनेगा तो जो उनके मैटर हैं वो जल्दी से जल्दी निस्तारित करने का या सुलझाने का प्रयास करता है इसका भी ये भी एक लाभ है नेक्स्ट जो है एन और एन की का विशेष क्षेत्राधिकार है कि जो एन है और एन है अपीली ट्रिब्यूनल्स उनको विशेष क्षेत्राधिकार दिया गया है कि वो केवल स्पेशल क्षेत्र में और उनका जोडिक्शन जो है वो डिवाइड है कि जैसे एक मेन ब्रांच होगी उसके अलावा जो है अदर्स जो है उसकी ब्रांच होगी खंडपीठ होगी वहाँ पे जो है वो जैसे जो हेड ब्रांच है तो वो केवल दिल्ली या उससे रिलेटेड जो है वो जो डिक्शन एक्सरसाइज करेगी इसके अलावा जो अदर ब्रांचेस हैं वो अलग अलग दी हुई हैं उसकी हर एक स्टेट्स के लिए या दो स्टेट्स के लिए एक अलग ब्रांच जो है वो है तो इसमें जो है जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सुलझाने में आसानी होती है क्योंकि अलग अलग क्षेत्राधिकार जो है वो विभाजित हैं और वो अपने कार्य या जो डिस्प्यूट हैं वो सुलझाने में मदद होती है तो इनको एक विशेष क्षेत्राधिकार जो है वो दिया गया है स्टैचूट के द्वारा अब जो है राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण की शक्तियाँ क्या क्या होती हैं कि जो ट्रिब्यूनल्स है और राष्ट्रीय अपीले ट्रिब्यूनल्स है इसकी शक्तियाँ क्या हैं जैसे कि 1956 का जो अधिनियम था उसमें जो है नेशनल कंपनी ला ट्रिब्यूनल्स था उसको भी कोर्ट के पावर्स जो हैं वो दिए हुए थे यहाँ पे भी जो है जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है उसको सिविल कोर्ट्स के पावर्स जो हैं वो दिए हुए हैं कि जो एक सिविल कोर्ट्स कर सकता है वो एक ट्रिब्यूनल्स कर सकता है और जो सिविल प्रक्रिया संहिता में निर्धारित नियमों से बंधे होते हैं या जो सिविल तो यहाँ पर जो है ऐसी कोई प्रोसीजर जो है वो उनको फॉलो नहीं करती करनी पड़ती है और इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों और केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी नियम के अधीन है और ट्रिब्यूनल और अपीली ट्रिब्यूनल इसकी प्रक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं इसके अलावा किसी भी सिविल कोर्ट के पास किसी भी मामले के बारे में किसी भी मुकदमे या कार्रवाई पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है जिसे तय करने के लिए ट्रिब्यूनल और अपीली ट्रिब्यूनल को अधिकार दिए गए हैं और राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण को व्यापक प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं जो ट्रिब्यूनल्स है उसको सारे पावर्स जो हैं वो एक कोर्ट के दिए हुए वो कोई भी चीज़ इंस्पेक्ट कर सकता है और उसके बाद में डॉक्यूमेंट बुला सकता है कोई भी ऐसा ऑर्डर पास कर सकता है जो उसके बेनिफिट के लिए कंपनी के बेनिफिट के लिए जो उनके मेंबर्स के हैं उनके बेनिफिट के लिए तो ऐसा हर एक शक्ति जो एक कोर्ट्स को होती है वो एक ट्रिब्यूनल्स को जो है वो प्रोवाइड की गई है अब इन शक्तियों को निम्नलिखित प्रकारों से बांटा गया है फर्स्ट जो इसको पावर है कि मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की सहायता लेने की शक्ति कि सपोज कोई ऐसे डॉक्यूमेंट बुलवाने हैं या कोई और ऐसी चीज़ करवानी है कोई भी चीज़ को एग्जीक्यूट करवाना है तो जो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट है उसकी सहायता ले सकता है और वो उस ऑर्डर को जो है वो एग्जीक्यूट करा सकता है ये ट्रिब्यूनल को जो है वो पावर है कि जहाँ पे कोई ऐसे ऑर्डरों का एग्जीक्यूशन होना है जो एक ट्रिब्यूनल ने दिए हुए हैं तो वो ट्रिब्यूनल जो है इनकी सहायता ले सकता है जो महानगर मजिस्ट्रेट है और उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर सकता है कंपनी के विरोध में या उसके एबज में जो कोर्ट ने आदेश दिया है उसको दूसरी जो इसको शक्ति है कि वो कंपनी के पंजीकरण को रद्द कर सकता है मीन्स के जो कंपनी रजिस्टर्ड हुई है यदि उसको लगता है या कोई मेंबर ने उसकी शिकायत की है या उसको लगता है कि ये पंजीकरण जो है वो उसने गलत तरीके से लिया है या गलत डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करके लिया है या सही जानकारी नहीं दी है या कोई भी और ऐसी चीज़ है या मिस ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट प्रूफ हो जाता है तो वहाँ पे उसको नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स को पावर है कि वो उसके जो इनकोपरेशन सर्टिफिकेट है उसको कैंसिल कर सकता है कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा तो ये भी उसको पावर है नेक्स्ट जो है सदस्यों का दायित्व असीमित घोषित करें जो मेम्बर्स हैं कंपनी के तो उनका जो लाइबिटीज़ है उनकी उसको असीमित घोषित कर सकते हैं कि जहाँ पे जैसे उनने बोला कि जहाँ पे कोई ऐसे उन्होंने मिसपीजेंस किए हैं फॉर्जरी की है, है फ्रॉड किया है या कोई और ऐसी चीज़ है तो ये प्रूफ हो जाता है तो वहाँ पे जो है उनकी लाइबिटी जो है वो घोषित कर सकते हैं कि आप जो है पर्सनली इसके लिए लाइबल हो तो ये भी उसको पावर है नेक्स्ट जो है कि कुछ परिस्थितियों में कंपनी का पंजीकरण रद्द करना जब कंपनियों का पंजीकरण अवैध या गलत तरीके से प्राप्त किया गया है ठीक है तो ये पहले भी हमने इसमें डिस्कस करा कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ जिसमें उसको लगता है कि ये रजिस्ट्रेशन जो है वो गलत तरीके से लिया गया है मिथ्या रिप्रेजेंटेशन द्वारा दिया गया है गलत डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करके दिया गया है तो वहाँ पे जो है वो उसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है नेक्स्ट जो है कुप्रबंधन का निवारण कि जहाँ पे कोई ऐसा मैटर आता है कि जो मिसमैनेजमेंट या ऑपरेशन से रिलेटेड हो और वहाँ पे यदि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है या मेजोरिटी शेयर होल्डर है उसने कोई ऐसा आवेदन दिया है नेशनल कंपनी और ट्रिब्यूनल्स में तो नेशनल कंपनी और ट्रिब्यूनल जो है वो उस आवेदन को सुनते हुए ये यदि सिद्ध हो जाता है तो वो उसको प्रिवेंट कर सकता है ये कोर्ट को पावर है कि उस वो उस ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट को प्रिवेंट कर सकता है और जो रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं उनके लिए जिम्मेदार ठहरा सकता है लाइबल ठहरा सकता है नेक्स्ट जो है प्रतिभूतियों को हस्तांतरित करने से कंपनी के इनकार की शिकायत सुनने और सदस्यों के रजिस्टर में सुधार करने की शक्ति कि जहाँ पे जो है जो सिक्योरिटी ट्रांसफ़र की जानी है कोई एसेट ट्रांसफ़र की जानी है वहाँ पे कोई ऐसी शिकायत आती है उससे रिलेटेड नेशनल कंपनी और ट्रिब्यूनल्स को तो वो ऐसे मैटर भी सुनेगा और यदि उसको लगता है तो जो है उसमें वो सुधार करवा सकता है और उस हस्तांतरण को या ट्रांसफर को रोक सकता है ये उसको ट्रिब्यूनल को पावर है नेक्स्ट जो है कि विभिन्न हितधारियों विशेषकर गैर प्रवर्तक शेयर धारकों और जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा कि जो शेयर होल्डर्स हैं और डिपॉजिटर्स हैं यदि उनके कोई राइट्स ऐसे वायलेट हुए या उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट में कोई ऐसा काम किया गया है तो ट्रिब्यूनल को ये पावर है कि वो जो है यहाँ पे उनके जो राइट्स है या इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट कर सकता है और उनके हक में जो है वो निर्णय जो है वो दे सकता है ये भी उसको एक पावर है नेक्स्ट जो है कंपनी प्रबंधन या कंपनी से जुड़े अन्य सलाहकारों और सलाहकारों द्वारा दिए गए बड़े पैमाने पर गलत कार्यों के खिलाफ निवेशकों को राहत प्रदान करने की शक्ति कि जहां पे कंपनी ने कोई ऐसे एक्सपर्ट अपॉइंट करे हैं और कोई ऐसे सलाहकार अपॉइंट करे हैं और उन सलाहकारों ने कोई ऐसी गलत जानकारी दी है और किसी व्यक्ति ने उस कंपनी में उस सलाह से इन्वेस्ट करा है और उनने कोई ऐसी शिकायत की है तो उस मैटर को भी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है वो सुन सकता है और जो है उनके फेवर में डिसीजन जो है वो या आदेश जो है वो दे सकता है तो ये भी उसको पावर है नेक्स्ट जो है कि पीड़ित जमाकर्ताओं के पास कंपनी के उन कृत्यों चकियों के निवारण के लिए बड़ कार्रवाई का उपाय है जो जमाकर्ता के रूप में उनके अधिकारों को नुकसान पहुंचाते हैं मींस कि जहां पे कोई ऐसे डिपॉज़िटर्स हैं और डिपॉजिटर्स के राइट जो हैं वो वॉयलेट हुए हैं या उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट में कोई काम किया है और उन्होंने कोई ऐसी शिकायत कम, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स को करी है तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है ऐसे मैटर को सुनेगा और उस पर कार्रवाई करेगा और जो डिपॉजिटर्स हैं उनके फेवर में जो है वो डिसीजन देगा तो ये भी उसको पावर है नेक्स्ट जो पावर है कि कंपनी को अपने खातों को फिर से खोलने का निर्देश देने या कंपनी को अपने वित्तीय विवरण को संशोधित करने की अनुमति देने की शक्ति कि जहाँ पे कोई ऐसा अकाउंटिंग में या कोई और ऐसी चीज़ में कोई गड़बड़ी करी है कंपनी के उसमें तो वहाँ पे जो है और उसकी शिकायत जो है वो ट्रिब्यूनल में करी गई है तो वहाँ पे ट्रिब्यूनल्स को पावर है कि वो ऐसे अकाउंट्स को ठीक करने या उसे सुधारने का जो है वो आदेश दे सकता है ये कोर्ट को पावर है लेकिन खातों का फिर से खोलने की अनुमति नहीं देती है और कंपनी अपने को वित्तीय विवरण में संशोधन करने के लिए स्वयं अपने निदेशक के माध्यम से ट्रिब्यूनल से संपर्क करते हैं और ऐसा कोई आदेश जो है वो ट्रिब्यूनल्स दे सकता है कि इनको सुधारिए आप और इनको अकॉर्डिंग जो है जो प्रोविजन्स है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उनके अनुसार जो है इसको करिए इसके बाद जो नेक्स्ट पावर है कि जांच करने या जांच कार्रवाई शुरू करने की शक्ति कि जहां पे कोई ऐसी प्रिवेंशन ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट या लिक्विडेशन से रिलेटेड कोई ऐसी प्रोसेस है, या ट्रांसफर से रिलेटेड कोई ऐसी प्रोसेस है तो उसको एक कोर्ट की भांति एक पावर है कि वो सारी चीज़ों की जांच करे और उन पर जो है वो प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकता है कि यदि कोई दोषी व्यक्ति पाया गया तो उनके अगेंस्ट में वो ऐसी प्रोसीडिंग जो है वो कर चालू कर सकता है या वो कर सकता है और इसके लिए जो है वो जो लोकल कोर्ट्स होते हैं जैसे आपने पहले ही बताया एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तो उनकी भी हेल्प ले सकता है या सहायता ले सकता है नेक्स्ट जो है कंपनी के स्वामित्व की जांच करने की शक्ति ट्रिब्यूनल्स को ये पावर है कि क्या जो उसका स्वामित्व है कंपनी का या कंपनी के स्वामी कौन है ओनर्स कौन है वो उसकी जांच जो है वो कर सकता है कि रियल बेनिफिशियरी कौन है कंपनी के और कौन कौन इसके ओनर है कौन ने कितना सीएल लिया है वो सारी चीज़ें जो है वो इंस्पेक्ट कर सकता है उनकी जांच कर सकता है तो ये भी उसको एक पावर है नेक्स्ट है कंपनी की संपत्ति जब्त करने की शक्ति कि यदि ये पाया जाता है कि वहाँ पर जो है कोई ऐसी गड़बड़ी हुई है कंपनी के उसमें मैटर में या मिसमैनेजमेंट हुआ है ऑपरेशन हुआ है तो वहाँ पर जो है ट्रिब्यूनल को ये पावर है कि वो जो है उसकी जो पूरी प्रॉपर्टी है सम्पूर्ण उसको जब्त कर सकती है सीज कर सकती है उसको यदि मालूम चलता है कि इस तरीके से कोई ऐसी एक्टिविटीज जो है वो करी है तो वहाँ पर जो है ट्रिब्यूनल को पावर है कि वो उसको संपत्ति को जब्त कर सकती है नेक्स्ट जो है कंपनी की किसी भी प्रतिभूति पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति कि कंपनी ने कोई ऐसी प्रतिभूति जो इशू करी है चाहे वो शेयर हो डिबेंचर्स हो या अन्य कोई ऐसी प्रतिभूति जो उसने इशू करी है तो उस पर भी ये रोक लगा सकती है ये इसको पावर है ट्रिब्यूनल्स को कि जहाँ पे उसको ये प्रूफ हो जाते कि गलत तरीके से कोई ऐसी प्रतिभूति जो है वो इशू करी गई है किसी के जो राइट्स थे उनको डीन की गई है किसी अन्य व्यक्ति को करी गई है तो वहाँ पे जो है ट्रिब्यूनल को ये पावर है कि वो उसमें रोक लगा सकती है या प्रतिबंध जो है वो लगा सकती है नेक्स्ट जो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रूपांतरण कर सकती है कि जहाँ पे कोई ऐसी पब्लिक कंपनी है या कोई प्राइवेट कंपनी है तो वो पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर सकती है ये भी उसको पावर है कि जहाँ पे कोई ऐसा आवेदन दिया गया है ट्रिब्यूनल्स के समक्ष अब ट्रिब्यूनल्स जो है उस आवेदन को देखते हुए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि एक पब्लिक कंपनी के लिए कम से कम जो है वो सात मेंबर्स होने चाहिए यदि वो रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लेते हैं ये और एक जो कैपिटल बताइए वो कैपिटल्स की रिक्वायरमेंट कर लेते हैं तो ट्रिब्यूनल्स को ये पावर है उसके यहाँ कोई ऐसा आवेदन आता है तो वो प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर सकती है ये भी उसको एक पावर है या रूपांतरण कर सकती है नेक्स्ट जो है यदि कंपनी अधिनियम या आवश्यक साधन आम बैठक के तहत वार्षिक आम बैठक आयोजित नहीं की गई है या नहीं की जा सकी है तो ट्रिब्यूनल के पास सामान्य बैठक बुलाने की शक्ति है कि वो एक जनरल बैठक जो है वो बुला सकती है ये भी कोर्ट को पावर है कि जहाँ पे कंपनियों की कोई मीटिंग नहीं हुई है तो वहाँ पे जो उनके मेंबर्स हैं उनने कोई ऐसा आवेदन दिया है कि हमारे जो है कंपनी की बैठक नहीं हुई है तो वहाँ पे जो है ट्रिब्यूनल को ये पावर है कि वो वहाँ पे ऐसा मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए आदेश दे सकती है ये भी उसको पावर है नेक्स्ट जो है भारत में पंजीकृत किसी भी कंपनी के वित्तीय वर्ष में परिवर्तन करने की शक्ति कि जो रजिस्टर्ड कंपनी है उस कंपनी के वित्तीय वर्ष में परिवर्तन कर सकती है कि जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें ट्रिब्यूनल को पावर है कि वो उसको परिवर्तित कर सकती है और उसमें यदि कोई ऐसी लॉसेस या कोई और ऐसी चीज़ है तो उसको एग्जेम्प्टेड कर सकती है यदि वो प्रूव कर देता है तो ये भी उसको पावर है तो ये निम्न प्रकार के पावर्स जो हैं वो इसमें एक्सरसाइज किए गए हैं अब इसमें एक जो कोर्ट को पावर होते हैं वो सारे पावर्स जो वो नेशनल कंपनी और ट्रिब्यूनल्स को प्रोवाइड किए हुए हैं अब जो है डिस्कस करते हैं कि कार्रवाई में पार्टी का प्रतिनिधित्व कौन कर सकता है तो जो कंपनी अधिनियम है उसकी धारा चार के अनुसार किसी भी कार्रवाई में कोई भी पक्ष व्यक्तिगत रूप से नामित प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हो सकता है और निम्नलिखित लोगों को ट्रिब्यूनल के समक्ष मामले का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी जा सकती है तो इन बोला कि कार्रवाई में कोई भी व्यक्तिगत रूप से नामित प्रतिनिधि या वो स्वयं जिनके राइट इफेक्ट हुए हैं तो वो वहां पर आवेदन कर सकते हैं या उनका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं नेशनल कंपनी और ट्रिब्यूनल्स में पहला कोई वकील वो भी उसमें उसके रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं जो पक्षकार हैं या जिन्होंने कोई ऐसी आवेदन जो है वो फाइल किया है दूसरा जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो वो भी उसके पक्षकार या प्रतिनिधि हो सकते हैं उसमें कार्रवाई में और तीसरा जो है कंपनी सचिव कि सपोज कोई ऐसी कंपनी है और जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उसके या जो ऑथोराइज पर्सन है वो उस समय नहीं आ पा रहे तो उनके बिहाव पे जो है कोई कंपनी सचिव जो है वो भी उसमें हो सकता है फिर लागत जो लेखाकार हैं अकाउंटेंट हैं वो भी उसमें हो सकते हैं या लागत लेखाकार या अन्य व्यक्ति जैसे कंपनी का अधिकारी या कंपनी का कोई एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जो है वो भी उसका रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है उस, उसके बिहार में अपीयर हो सकता है तो ये कुछ पर्सनस बताए हैं कि जो आवेदन जो है वो वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या आवेदन जो है वो दाखिल कर सकते हैं ठीक है उनके बाप में बाकी अदर पर्सन जो है जिनके राइट्स इफेक्ट हुए हैं वो तो डायरेक्टली कर ही सकते हैं लेकिन उनके भी रिप्रेजेंटेटिव जो है वो यहाँ पे पैर भी कर सकते हैं ट्रिब्यूनल्स के उसमें तो ये कुछ व्यक्तियों को बताया गया है जो ट्रिब्यूनल्स में पैर भी कर सकते हैं अब जो है नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलित न्यायाधिकरण क्या होता है तो राष्ट्रीय कंपनी लॉ अपीलित ट्रिब्यूनल्स का गठन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 410 के तहत नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल्स के आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई के लिए किया गया है मींस के जहां पे कोई ऐसे मैटर्स हैं चाहे वो लिक्विडेशन से रिलेटेड हो अलॉटमेंट से रिलेटेड हो या कोई और चीज़ों से रिलेटेड हो वहाँ पे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने कोई यदि डिसीजन दिया है तो उसकी जो अपीलेट अथॉरिटी है वो नेशनल कंपनी अपीलेट ट्रिब्यूनल है या न्यायाधिकरण है ठीक है तो इसको एक जून 2016 से एग्जिस्टेंस में लाया था और इसको और भी कुछ ऐसे जोरेक्शन है कि जैसे एन दिबाला और दिवालिया संहिता 2016 की धारा इकसठ के तहत एन द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई भी यही करेगा कि जहाँ पे कोई सॉल्वेंसी से रिलेटेड कोई ऐसा डिस्प्यूट है तो उसकी भी अपील मैटर जो है वो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो सुनेगा तो ये जो है इसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन या इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक एक, एक अपीलित अथॉरिटी है कि जहाँ पे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स के द्वारा कोई ऐसा डिसीजंस दिया गया है तो उसकी एक अपीलित अथॉरिटी है उसके अलावा दिवालियापन संहिता 2016 में कोई सॉलमेंसी कोई ऐसा डिस्प्यूट आता है तो उसकी अपील भी जो है वहां पे जो ट्रिब्यूनल अपॉइंट किया गया तो उस ट्रिब्यूनल्स की अपील भी जो है वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है वो सुनेगा और ये एक दिसंबर 2016 से प्रभावी है जैसे कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल भी सेम डेट्स को जो है वो लागू हुआ था तो उसी का सेम जो है वो एक दिसंबर 2016 से नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है वो भी प्रभावी है अब जो है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल की सुनवाई के लिए अपीलेट न्यायाधिकरण भी है और आई की धारा 202 और धारा 211 के तहत इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ भी ऐसा कोई आदेश पारित किया है इनके द्वारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्राप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा कोई ऐसा डिसीजन पारित किया गया है तो उसकी भी अपील जो है वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है वो सुनेगा अब कंपनी अधिनियम दो की धारा एक द्वारा कंपनी अधिनियम की धारा 410 में लाए गए संशोधन के अनुसार एन भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए कोई किसी भी आदेश की भी अपील सुनेगा तो ये तीन जो है वो अपीलित अथॉरिटी है कि कोई ऐसी अपील आती है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स की तो वो नेशनल कंपनी लॉ अपीलित ट्रिब्यूनल सुनेगा कोई इंसॉल्वेंसी या बैंक्राप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया की कोई ऐसी अपील आती है तो वो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल सुनेगा और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की कोई ऐसी मैटर की कोई अपील आती है तो वो भी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल सुनेगा और अपील पूरा सुने जाने के बाद में उसमें जो है वो अपना आदेश जो है वो पारित करेगा और वित्त अधिनियम मई 2017 से जो है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है वो लागू किया गया है अब जो है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल्स का दायरा क्या होगा या क्या ये अपील सुनेंगे या उसका क्या दायरा होगा या क्या क्या चीज़ें जो हैं वो सुनेंगे पहला जो है कि नेशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल्स का गठन एन के आदेशों के खिलाफ अपील सुनने के लिए कंपनी अधिनियम की धारा 410 के तहत किया गया है कि मेनली जो है इसका जो दायरा है या जोडिक्शन है कि ऐसा ऐसी कोई अपील जिसको जो है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने डिसाइड किया है तो उसकी अपील जो है वो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो सुनेगा कि ऐसी कोई अपील आई है तो उसका एक स्पेसिफाइड पीरियड है और उस स्पेसिफाइड पीरियड में वो अपील जो है वो सुनेगा ये उसका दायरा है फर्स्ट सेकेंड जो है कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल्स एक अर्ध न्यायिक निकाय है जो कंपनियों से संबंधित विवादों का निर्णय करता है कि जो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल्स है वो क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी है या बॉडी है जो कंपनियों से संबंधित विवादों का निर्णय करती है कि आप डायरेक्टली जो है वो भी वहाँ पे जा सकते हो नेशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल्स में क्योंकि ये क्वाजी जुडिशियल बॉडी है और उससे रिलेटेड जो मेनली डिस्प्यूट्स होते हैं तो वो इसके द्वारा सॉल्व किए जाते हैं तो ये इसका दूसरा दायरा है जो डिक्शन है तीसरा जो है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स जो है वो एक दिसंबर दो से प्रभावी हुआ तो इसमें जो है दिबाला या दिवालीपन संहिता 2016 की धारा इकसठ के तहत यदि कोई ऐसे आदेश पारित किए गए हैं तो उसकी भी अपील जो है वो नेशनल कंपनी और ट्रिब्यूनल के द्वारा सुनी जाएगी तो इसको ये सुनेगा नेक्स्ट जो है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अपीले ट्रिब्यूनल जो है वो दिबाला और दिवालीपन संहिता 2016 की धारा 202 और 11 के तहत कोई पारित आदेशों के खिलाफ अपीली अधिकरण है और उसकी अपील भी सुनेगा नेक्स्ट जो है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स के किसी भी आदेश से असहमत व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है कि जहाँ पे नेशनल कंपनी लॉ अपीलित ट्रिब्यूनल ने कोई ऐसा डिसीजन दिया है तो वहाँ पे उस मैटर के अगेंस्ट में वो अपील दायर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली तो ये उसको डायरेक्ट जो एडिक्शन है हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है उसको सीधे जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील जो है वो फाइल कर सकता है यदि वो उसके मामले या उसके जो जजमेंट है या जो उसने निर्णय दिया है उससे सेटिस्फाई नहीं है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है नेक्स्ट जो है भारतीय प्रतिस्पर्धा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा दिए गए निर्णयों से असहमत पक्ष के लिए भी अपीली निकाय के रूप में कार्य करता है तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जहाँ पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोई ऐसा डिसीजन दिया है कंपटीशन से रिलेटेड तो वहाँ पे जो है और बोर्ड ने कोई ऐसा डिसीजन दिया तो उस बोर्ड के अगेंस्ट में ये अपील जो है वो फाइल कर सकते हैं बिफोर दी कंपनी नेशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल्स तो ये भी उसको डोडक्शन जो है वो दिया गया है या उसका दायरा है तो इस तरह से हम कह सकते हैं इसके बेसिस पे कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है एस एक अपीलित अथॉरिटी है और ऐसा कोई डिसीजन जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने दिया है तो उसकी अपील सुनेगा कोई जो बैंक रफ्सि कोर्ट्स है या बोर्ड बना हुआ है उसके द्वारा कोई ऐसा डिसीजन दिया है तो उसकी अपील सुनेगा और इसकी अपील जो है वो डायरेक्टली जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है और कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोई या बोर्ड ने कोई ऐसा जजमेंट दिया है तो उसकी भी अपील ये नेशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल जो है वो सुनेगा इसके बाद में है कि अपील करने की प्रक्रिया क्या होगी कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील करने की प्रक्रिया क्या होगी या अपील जो है वो कैसे फाइल की जाएगी तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के किसी भी निर्णय से असहमत पक्ष पैंतालीस दिन के भीतर दिए गए निर्णय की एक प्रति को प्रस्तुत करके नेशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है ठीक है तो ये इसके बारे में बताया कि जहाँ पे कोई पक्षकार जो है जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स ने डिसीजन दिया है उससे सहमत नहीं है वो चाहता है कि हम जो है वो इसके आगे जाएंगे तो वहाँ पे जो है वो 45 दिन के भीतर मतलब जब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने कोई डिसीज़न दिया उस डेट से ले कर दिन के भीतर जो है वो वो एक अपील फाइल कर सकता है नेशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल्स में तो ये उसका अपील फाइल करने की प्रक्रिया है दूसरा कि अदर नेशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल संतुष्ट है कि अपीलार्थी के पास पर्याप्त कारण हैं तो वह है अपीलार्थी की अपील को अपील के लिए निश्चित 45 दिन की निर्धारित अवधि से छूट प्रदान कर देगा मींस के उसको कंडोन कर देगा कि जो 45 दिन का स्टेचुटरी पीरियड दिया गया कि उसको अपील फाइल करनी है लेकिन वो ऐसे कोई सफिशेंट कॉस जो है वो शो कर देता है या कारण शो कर देता है कि मैं बीमार था या मैं कहीं विदेश में था या कहीं बाहर था या मुझे नोटिस नहीं मिला या कोई और ऐसी चीज़ होती है तो वहाँ पे ट्रिब्यूनल्स को पावर है कि वो उसको कंडोन कर सकता है मीन्स सफिशेंट कॉज शो करता है तो वो उसको उस पीरियड को कंडोन भी कर सकता है तीसरा जो है कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के किसी भी आदेश से असहमत पक्ष निर्णय के सात दिन के अंदर सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है मीन्स कि जहाँ पे नेशनल कंपनी लॉ अपीले ट्रिब्यूनल ने कोई ऐसा डिसीजन दिया है उस डिसीजन के अगेंस्ट में जो है जो पीड़ित पक्षकार है या जो उस डिसीजन से सहमत नहीं है तो उस डिसीजन की जो है वो अपील फाइल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में अब जिस डेट को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने जो डिसीजन दिया था उस डिसीजन से साठ दिन के भीतर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में वो अपील दायर कर सकता है नेक्स्ट जो है कि राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीली न्यायाधिकरण के इस निर्णय से कंपनियों में अल्पसंख्यक शेयर धारकों सशक्त होंगे और स्वतंत्र निदेशक के रूप में अपनी आपत्तियों को अधिक स्वतंत्रता से रख सकेंगे पहले क्या होता था कि पहले जो जब अपीले ट्रिब्यूनल नहीं था तो उसमें जो अल्पसंख्यक शेयर धारक थे उनके राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्ट नहीं होते थे उनने बोला कि दो शेयर होल्डर हैं तीन शेयर होल्डर हैं तो वहाँ पे जो मेजोरिटी रूल्स है जो हॉल फॉस वर्सेस हॉर्बोटली में डिसाइड किया था तो वो जो है रूल एप्लीकेबल होता था माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के राइट right जो है वो प्रोटेक्ट नहीं होते थे लेकिन जब से नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स बनाया तो जो माइनॉरिटी के राइट्स यदि वो इफेक्ट हुए हैं या कोई उनके एडवर्स इफेक्ट हुआ है उनके राइट्स पर तो वहाँ पर वो एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में और अपीले ट्रिब्यूनल्स में और वो जो है ऐसे मैटर्स को सुनेगा जिससे जो है जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं और अल्पसंख्यक शेयर धारक हैं उनके राइट जो हैं वो प्रोटेक्ट करे गए हैं तो इस तरह से ये जो नेशनल अपीलेट कंपनी ट्रिब्यूनल्स है उसमें अपील दायर करने की प्रक्रिया होती है तो ये बिल्कुल सिंपल सी प्रक्रिया है कि 45 दिन के भीतर यदि कोई ऐसा कंपनी लोगों ने कोई डिसीजन दिया तो 45 दिन के भीतर जो है वो उसकी अपील कर सकते हैं और यदि कोई इससे टाइम जो है वो चूक जाता है या कोई ऐसे सफिशियन कॉस्ट शो कर देते तो वहाँ जो है उसको कंडोन कर सकता है और यदि अपीलेट ट्रिब्यूनल है इसके डिसीजन से कोई सेटिस्फाई नहीं तो साठ दिन के भीतर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है तो ये एक प्रक्रिया जो है वो स्पेसिफाइड है इसके बाद है एन के कार्य इसके जैसे कि एक नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स के हमने कार्य डिस्कस करे थे वैसे ही जो है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के भी कुछ कार्य जो हैं वो दिए हुए हैं अब सबसे पहला जो कार्य है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स का कि कंपनी अधिनियम के तहत सभी कार्रवाई जैसे मध्यस्थता व्यवस्था समझौते पुनर्निर्माण और कंपनी का समापन ट्रिब्यूनल द्वारा निपटाया जाएगा इसमें उन्होंने बोला कि जो एक नेशनल कंपनी और ट्रिब्यूनल्स को अधिकार दिए गए हैं वो ही सेम जो है नेशनल कंपनी अपीले ट्रिब्यूनल्स को दिए गए हैं कि वो जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं उनमें मीडिएशन कर सकता है समझौते करवा सकता है उनकी और कंपनी का समापन जो है वो उसका ट्रिब्यूनल्स द्वारा निपटाया जा सकता है तो ये सारे राइट जो है वो एक्सरसाइज कर सकता है इसके बाद जो है एन सी एल टी दिवालिया और दिवालियापन संहिता दो हजार सोलह के तहत दिवाला कार्रवाई के लिए निर्णायक प्राधिकरण भी है कि जहाँ पे कोई ऐसी दिवालिया कार्रवाई होनी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग होनी है तो वहाँ पे जो है वो एक निर्णायक भूमिका जो है वो नेशनल कंपनी अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो सॉल्व करेगा इसके बाद जो है उपयुक्त विषयों में किसी भी सिविल न्याय का क्षेत्राधिकार नहीं होगा क्योंकि ये जो ट्रिब्यूनल है इसको खुद कोर्ट के पावर है तो वहाँ पर जो सिविल कोर्ट्स हैं वो उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकते ये स्पेशलाइज कोर्ट होते हैं तो वो सारी शक्ति या पावर्स जो है वो एक्सरसाइज करते हैं तो वो एक सिविल कोर्ट्स के सारे पावर्स जो हैं वो इनको दिए गए हैं इसके बाद एन के पास औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लंबित मामलों के साथ साथ बीमार औद्योगिक कंपनी अधिनियम उन्नीस के, के तहत लंबित मामलों को निपटाने का भी अधिकार होगा मीन्स कि जहाँ पे कोई ऐसी वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड लंबित कोई ऐसे पेंडिंग मामले हैं बीमार औद्योगिक कंपनी है के तहत लंबित मामले तो ये सारे मामले जो है वो एन सुलझाएगी और उसको चेता अधिकार है कि वो ऐसे मामले को सुलझाएगा अब जो है कि यह किसी कंपनी के उत्पीड़न और कुप्रबंधन से संबंधित मामले को भी उठा सकता है कि जहां पे कोई मिसऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट हुआ है तो उसको भी वो सॉर्ट आउट कर सकता है और उसको सही कर सकता है ये भी उसको पावर है नेक्स्ट जो है एन की कुछ सामूहिक शक्तियाँ या अन्य शक्तियाँ जो है वो उसमें दी हुई हैं सबसे पहली जो शक्ति है इसमें कि सामूहिक कार्रवाई जो है वो कर सकती है जिसे क्लास एक्शन बोलते हैं कि क्लास एक्शंस के अनुसार के जो धारा 245 में कंपनी अधिनियम में बताया गया है कि जहाँ पे बहुत सारे पर्सनस के ऐसे राइट्स जो हैं वो वायलेट हुए हैं तो वहाँ पे जो है क्लास एक्शन्स जो है वो व्यक्ति जो है वो फाइल कर सकते हैं लेकिन उसमें जो है वो आवेदन एक ही फाइल करना होगा यहाँ पर उन्होंने बोला कि कम से कम 100, 200 या 300 लोग मिल जो है एक आवेदन जो है वो दे सकते हैं और ये सुनेगा तो जो सामूहिक कार्रवाई है उसको सुने जाने का जो है इसको पावर है शक्ति है और वो इसको सुनेगा और ऐसे मामले या तरीके से संचालित किए जा रहे हैं जो कंपनी के हित के लिए हानिकारक हैं कंपनी को एमओ और ए के दायरे से बाहर कोई भी कार्य करने से रोक सकती है जो व्यक्ति ऐसे कार्य करेगा दूसरा है कंपनी का पंजीकरण रद्द करना अब इसको भी पावर है कि वो कंपनी के जो रजिस्ट्रेशन है इन वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को कैंसिल कर सकती है यदि ये प्रूफ हो जाता है कि उसने गलत तरीके से वो सर्टिफिकेट जो है वो इशू किया है या प्राप्त किया है गलत डॉक्यूमेंट देके प्राप्त किया है या अन्य अब इसके अलावा जो भी उचित लगे उससे संबंधित ऐसे निर्णय जो है वो पास करेगा और इवन जो है वो कंपनी को बंद भी कर सकता है और बाइंडिंग अप भी कर सकता है ये भी उसको पावर है और प्रत्यक्ष जो सदस्य होते हैं उनकी लाइबिलिटीज जो है वो डिसाइड कर सकता है कि जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है या जिम्मेदार व्यक्ति है वो उनके लिए दायी होंगे नेक्स्ट जो है उत्पीड़न और कुप्रबंधन को उसको भी रोक सकता है अब धारा दो के अनुसार कि एक सदस्य को कहते हुए कि न्यायाधिकरण में जैसी शिकायत दर्ज होती है तो वहाँ पे वो प्रिवेंशन और मिसमैनेजमेंट को भी रोक सकता है जहाँ पे उसके पास में ऐसा कोई आवेदन दिया है और इनसे रिलेटेड जो कोई उन्होंने कोई वो दिया है कि जैसे कोई देनदार है डिबेंचर धारक या कंपनी के शेयर धारकों के हितों के खिलाफ यदि कोई ऐसा कार्य किया गया है तो वहां पर जो है अपीलेट ट्रिब्यूनल को पावर है कि वो इसके रोक सकता है नेक्स्ट जो है जांच करने की शक्ति धारा 213 के अनुसार जांच करने या कार्रवाई या प्रोसीडिंग इनिशिएट करने की इसको पावर है कि जहां पर कोई ऐसा आवेदन आया है और ये प्रूफ हो गया है या जांच एजेंसियों की भी सहायता ले सकती है या जो पुलिस ऑफिसर्स हैं या कोई अन्य वो हैं तो उनकी भी सहायता ले सकती है तो ये सारे जो पावर्स जो हैं उसको दिए गए हैं इसके बाद जो है खातों का दोबारा खोलना कि वो चाहती है कि जो बंद खाते हैं उसके कंपनी के तो वो ऐसा दोबारा ऐसे खाते खोलने का आदेश भी दे सकती है ये भी उसको पावर है इसके बाद संपत्तियों को फ्रीज कर सकती है कि जो उसकी प्रॉपर्टी है उनको फ्रीज कर सकती है यदि उसको लगता है कि जो नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स हैं मैनेजर्स हैं वो संपत्ति का मिसयूज कर रहे हैं या वो कर रहे हैं तो वहाँ पे जो है उसकी जो जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको फ्रीज कर सकती है सीज कर सकती है नेक्स्ट जो है कंपनी का समापन कर सकती है कि जहाँ पे कोई ऐसा आवेदन दिया गया है इसमें धारा दो के अंतर्गत तो वहाँ पर जो है कंपनी ऐसे समापन का आदेश दे सकती है यदि उसको लगता है कि हाँ कंपनी का जो है समापन होना चाहिए इसके अलावा सार्वजनिक कंपनी को निजी कंपनी में परिवर्तित कर सकती है कि जहाँ पे जो कंपनी है वो कोई ऐसी पब्लिक कंपनी हो तो उसको निजी कंपनी में परिवर्तित कर सकती है और निजी कंपनी को सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित कर सकती है ये भी उसको पावर है फिर आम बैठक बुलाने का भी राइट्स है कि जो आम बैठक होती है कि जहाँ पे कोई कंपनी की आम बैठक नहीं हुई है तो वो बैठक जो है वो बुला सकती है ये भी उसको राइट है नेक्स्ट जो है एन में अपील करने की प्रक्रिया क्या होगी तो इसमें हम पहले से भी एन के किसी निर्णय से असमर्थ पक्ष जो है वो इसमें अपील जो है वो दायर कर सकता है इसके बाद जो है एक अंतर किया गया है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और नेशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल में क्या अंतर है पहला जो अंतर है दोनों में अलग अलग अंतर हैं जैसे एक जो है वो मेन जो केसेस सुनती है और एक जो है वो अपीलित अथॉरिटी है तो इसमें कुछ अंतर जो है वो दिए गए हैं कि एन एनसीएलटी या दिवालियापन के मामलों पर प्राथमिक क्षेत्राधिकार रखता है जबकि एन द्वारा निर्णित मामलों पर अपीलीय क्षेत्र क्षेत्राधिकार रखता है उनने बोला कि जहाँ पर दिवाली या उससे संबंधित कोई ऐसे मैटर हैं तो उसको नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है वो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार रखता है जबकि एन द्वारा निर्णित मामलों पर उसको अपीलित क्षेत्राधिकार है कि जहाँ पर कोई ऐसे अपील आती है तो वो नेशनल कंपनी लॉ अपीलित ट्रिब्यूनल जो है वो सुनता है दूसरा जो डिफरेंस है कि एन लेनदार देनदार से साक्ष्य स्वीकार करता है और उनका विश्लेषण करता है मतलब उनके पूरे एविडेंस रिकॉर्ड करता है और सारी चीज़ें वो प्रिमररी जैसे जो लोअर कोर्ट करते हैं तो वो नेशनल कंपनी और ट्रिब्यूनल्स करता है जबकि एन सी एल द्वारा दिए गए निर्णयों को स्वीकार करता है और उनका विश्लेषण करता है मीन्स जो लॉ पॉइंट्स पे कोई ऐसी मिस्टेक उसने करी है जिससे पक्षकार जो है वो सहमत नहीं है तो वहाँ पे जो है ऐसे अपीलेट मैटर जो है वो नेशनल कंपनी और अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो सुनेगा नेक्स्ट जो है कि मामले सीधे एनसीएलटी में आ सकते हैं जबकि कोई भी मामला सीधे एन में नहीं आ सकता कि मतलब कोई भी मामला हो जो कंपनी लॉ से रिलेटेड है या कंपनी डिस्प्यूट से रिलेटेड है तो वो सीधे जो है वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में वो जा सकते हैं जबकि नेशनल अपीलेट कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में ऐसे डायरेक्टली नहीं जा सकते ये केवल जो है वो अपील फाइल कर सकते हैं नेक्स्ट जो अंतर है कि एन जो है वो तथ्य और साक्ष्य एकत्र करता है मतलब वो जो है वो तथ्य फैक्ट्स पे और एविडेंस पे उस पर बात करती है जबकि जो नेशनल कंपनी अपीलेट ट्रिब्यूनल हैं वो तथ्यों और सबूतों पर विश्लेषण करती है या जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है या क्वेश्चन ऑफ़ फैक्ट्स है उसी पे बात करती है ये और ये केवल तथ्य और साक्ष्य को एकत्र करती है और उसके बेसिस पे जो है अपना डिसीजन देती है ये तथ्यों और या जो क्वेश्चन ऑफ लॉ के वो हैं उस पर जो है अपना निर्णय देती है विश्लेषण करती है तो ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और नेशनल कंपनी लॉ अपीले ट्रिब्यूनल्स के बीच में अंतर है अब एक सी एस आर के जो प्रावधान हैं ये भी है जिसे अपन कॉपरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं ये प्रोविजन जो है वो 2013 में धारा 135 के तहत जोड़े गए थे जिसमें बोला गया था कि यदि कंपनी जो है कोई पर्यावरण को या सोसाइटी को या किसी और चीज़ को ऐसा नुकसान पहुंचाती तो उसके लिए जो है उसको हर जाना जो है उनको देना पड़ेगा और कॉपरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के विभिन्न लाभ जो है कि ब्रांड की पहचान मिलेगी निवेशकों से संबंध बनेगे कर्मचारियों को काम पर लगाया जाएगा और कम जोकिंग होगा और सिमकों के उस कंपनी के साथ जुड़े रहने की अधिक संभावना होती है इसके बाद जो है पर्यावरण संबंधी ज़िम्मेदारी इसके जो प्रकार हैं पर्यावरण संबंधी जिम्मेदारी जो है वो प्रत्येक कंपनी की होगी उनकी नैतिक जिम्मेदारी होगी सोसाइटी के प्रति या परोपकारी जो उत्तरदायित्व हैं वो भी उनको देना पड़ेंगे और जो वित्तीय उत्तरदायित्व हैं वो कि एक फाइनेंशियल ऑब्लीगेशन जो है वो कि एक आप एवरी ईयर जो है एक डेफिनेट अमाउंट जो है वो आपको इसमें सी एस आर में देना होगा इसके बाद जो है जुर्माने की भी इसमें बात करी गई कि जो सी एस आर की नीति को फुलफिल नहीं करेगा तो वहाँ पे जो है जुर्माने के भी प्रावधान है कि पचास हज़ार से अधिक जुर्माना जो है उससे अधिक जुर्माना इम्पोज़ किया जाएगा जो पच्चीस लाख तक हो सकेगा और इसके अलावा कोई ऐसा अधिकारी डिफ़ॉल्ट करता है तो वो भी दंडनीय नहीं होगा जो पचास हज़ार से कम नहीं होगा और पाँच लाख तक का उस पर जुर्माना जो है इम्पोज हो सकता है और इसके अलावा भी दंड के प्रावधान जो है इसमें बताए गए हैं अब एक मामला है मद्रास एसोसिएशन बनाम भारत संघ इसमें जो है इसकी वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था जिसमें जो है उनने माना था कि जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल है वो वैलिड है तो इस तरह से ये अध्याय नंबर दस जो है वो समाप्त होता है धन्यवाद Hello and welcome to this piece of literary snippet. We usually know William Shakespeare as the most revered figure in the history of English literature. But we often tend to forget that he has also been one of the most hated figures in literature. And here I am not talking only about those boys and girls who have to memorize long sections from Macbeth or King Lear or Julius Caesar uh, before they can go and sit for their school and, or college exams. But I am also talking about people who are themselves quite famous authors. Tolstoy, for instance, considered the writings of Shakespeare to be, and I quote, crude. Immoral, vulgar, and senseless. George Bernard Shaw absolutely loathed Shakespeare as he did Homer. But perhaps no other criticism about Shakespeare is more damaging than the one which says that Shakespeare is a marvelous storyteller, provided someone has told him the story earlier now this piece of criticism is particularly damaging because it is true none of shakespeare's plays contain any original story whatsoever they are all written using pre-existing materials pre-existing stories now does that diminish the stature of Shakespeare as a dramatist? Well, I'll leave that for you to decide. See you in the next episode of Literary Snippets.